हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। टुडे डेटेड 10/5/2021, सो क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। आवर टॉपिक नाउ टुडे इज आवर टॉपिक इज जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक जो है, जिसके बारे में हम इस जो हमारा लेसन है, जो हमारा आज का जो लेसन है, दैट इज टिश्यूज। टिश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे, आज हम जो आज का हमारा जो है, इसमें हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं। या हम जनरल पहले देखते हैं, हम जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो हमारा ये चैप्टर जो है, इसमें हम देखेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, उसके बाद हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो ये सारे जो हैं, बेसिकली ये सेल से मिलकर बनते हैं। तो सेल जो है, जब डिफरेंट सेल मिलते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल जब मिलता है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर जो होता है, दैट वर्क टूगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। यहां मैं लिखूंगी, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, आप भी थोड़ा लिखेंगे, ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टूगेदर, जो काम करें इकट्ठा, दैट वर्क टूगेदर, जो काम करें इकट्ठा, वर्क टूगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर, कोई खास किस्म का एक जैसा फंक्शन, फॉर्म्स ए टिश्यू। मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। गोया के एक ग्रुप सेल्स का ग्रुप जो बन, जब एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जो काम करता है इकट्ठा, एक खास किस्म का कोई काम करे, फंक्शन करे, उसे हम कहते हैं टिश्यू। मैंने क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स ए टिश्यू। बन गया एक टिश्यू। तो ऑल सेल्स ऑफ ए टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन, जैसा कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन नर्व टिश्यू जो हमारे पास आता है, जैसा कि जो जो किस में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में, हैव नर्व सेल्स आर न्यूरॉन्स। ये नर्व सेल जो है या न्यूरॉन जो है, इसके हमारे पास डायग्राम भी दी हुई है। एक न्यूरॉन जो है, ये सबसे लार्जेस्ट जो टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर। तो यहां मैं आपको दिखाऊंगी बुक, इस बुक पे ये है, ये देखिए, ये न्यूरॉन यहां पर इस पर बना हुआ है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। ये देखो, इसका ये एक्सॉन टर्मिनल है यहां से, और ये है इसका सिनेप्टिक एंड। यहां पे आप देखो नोड, ये इसके नोड है, यहाँ डेंड्राइट्स है, यहाँ सेल बॉडी है, इसको अंदर ये जो है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, और यहाँ से ये क्या है, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर एक खास चीज जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आप देख सकते हो। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। तो इसको क्या कहेंगे हम, न्यूरॉन क्या है, क्योंकि देखिए आप कहते हैं कि व्हाई प्लांट एंड एनिमल जो है, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये क्यों डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू के मिलकर बने हैं, इसकी जनरल इंडक्शन में आपको दे रही हूं। तो ये टिश्यू जो है, प्लांट और एनिमल जो है, दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब प्लांट अलग है और एनिमल अलग है। किस तरह, प्लांट जो है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ वायर एज द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, है ना। प्लांट जो है, प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रोसेस, विद द प्रोसेस किसके जरिए करते हैं, किस प्रोसेस के जरिए, बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके जरिए प्लांट जो है ये अपनी गजा बनाते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो एनिमल है, एनिमल जो है, दे आर हेटेरोट्रॉफ, ये दे आर द कंज्यूमर ऑफ फूड, ये इन पौधों को फिर खाते हैं। तो इसी तरह से मोर ऑफ प्लांट जो है, प्लांट्स आर स्टेशनरी,
आर फिक्सड ऑर्गेनिज्म, जबकि दे के नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जबकि एनिमल जो है दे मतलब दे आर नॉट स्टेशनरी, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। उसके बाद मोस्ट ऑफ दिस जो टिश्यू जो होते हैं इनमें, जैसा कि जाइलम है, फ्लोएम है, स्क्लेरोकाइमा जो है, या कॉर्क है, या डेड टिश्यू। और हमारे पास एनिमल जो ऑन द अदर हैंड दे आर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है, ये तो हेटरोट्रॉफिक है, ये तो हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया। तो इसमें जो है ये टिश्यू, इनमें जो है दे मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, दे हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर जो टिश्यू होते हैं ये लिविंग होते हैं। समझ गए बात आप, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमने हमने ये कहा कि प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं और एनिमल जो है हेटरोट्रॉफ होते हैं, इसलिए इनमें अलग टिश्यू होते हैं और प्लांट में अलग होते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया।